नमस्ते ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल बेकिंग बाय बेकिंग। सो दोस्तों, आज हम जो रेसिपी ट्राई करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा यमी और चॉकलेटी। आज हम चॉकलावा केक बनाएंगे बिना ओवन के, बिना अंडों के, बिना मैदे के और बिना बटर के। ठीक है, ये जो केक है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड मॉइस्ट बनेगा, एकदम बाजार वाला स्वाद आएगा, जैसे हम डोमिनोज में खाते हैं, किसी और बेकिंग से खाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी के साथ। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से लगेगा हमारा चॉकलावा केक बनके। ये जल्दी से देख लेते हैं हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए अपने केक के लिए। आटा, दूध, कोको पाउडर, सॉल्ट, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, घी, डार्क चॉकलेट एसेंस, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को रेडी करने के लिए एक बोल में हमें आटा डालना है, कोको पाउडर डालना है, उसी के साथ साथ बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाल के उसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। और ये जब बैटर पूरा अच्छे से तैयार हो जाए तो हमने इसको छान लेना है। ये हमारा जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स, इससे हमारा केक और अच्छा बनेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा बैटर तैयार हो गया है, ड्राई इंग्रेडिएंट्स सारे तैयार हो गए हैं। तो अब बारी है अपना लिक्विड बैटर को तैयार करने के लिए हमें एक बोल में चीनी डालनी है और उसी के साथ दूध डालेंगे और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक चीनी हमारी अच्छे से घुल ना जाए। तो दोस्तों, जब चीनी और दूध का अच्छे से घोल हो जाए तो उसमें बारी होती है अपने घी को डालने की। और हम इसको अच्छे से उसमें फेंट लेंगे कि हमारा घी और दूध अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब बारी है इसमें अपनी मेल्टेड चॉकलेट को डालने की। अब इसमें ये जो मेल्टेड चॉकलेट है, इससे बहुत ही ज़्यादा चॉकलेटी फ्लेवर आएगा हमारे केक को और ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बना देगा। अब बारी है इसको हम अच्छे से अपने बैटर में मिक्स कर लेंगे जब तक ये पूरी तरीके से ईवन हो जाए। और याद ध्यान रखिए, अपने सारे इन्ग्रीडियंट्स को रूम टेम्परेचर पर लेना है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा जो बैटर है वो तैयार हो गया है। तो अब बारी है इसमें एसेंस डालने की। यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून लिया है, इसलिए मैं इसमें दो बार एसेंस डाल रही हूँ। आप 1 टीस्पून लेके एक बार में ही एसेंस डाल सकते हैं और अच्छे से मिक्स कर लें। जो एसेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी सुगंध और फ्लेवर देता है हमारे केक को। अब बारी है इसमें अपने बैटर को हाफ, मतलब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हाफ हाफ करके डालने की। मैंने अभी फर्स्ट बैच डाला, अब इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए पूरी तरीके से, तो बारी होगी हमारी हाफ एंड दूसरा जो बैटर है हमारे पास, जो बचा हुआ इंग्रेडिएंट, उसे डालने की। हम हाफ हाफ करके इसलिए डालते हैं कि जो हमारा बैटर है उसमें कोई भी लम्स ना पड़े। तो मैंने यहाँ पर दूसरा भी डाल दिया और मिक्स कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा पूरा बैटर मिक्स हो गया है। तो अब ये बारी होती है हमारे जो चॉकलावा केक है उसको बेक करने की। तो दोस्तों, आज हम अपने जो चॉकलावा केक को जो बेक करेंगे, हम किसी भी अल्मोनियम टिन में नहीं बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ वाले कटोरियों में करेंगे। तो चलिए अब इसमें बैटर डालते हैं। पहले मैं दोनों कटोरियों को आधा आधा भर के भर दूँगी बैटर से अपने। एक कटोरी में डाल दिया, अब बारी है इसको दूसरी कटोरी में डालने की। अब इसी के साथ हम इसमें अपने चॉकलेट चंक्स को डाल देंगे। जो चॉकलेट चंक्स क्या है, वही लावा का काम करते हैं, जो हमारी केक को जब हम काटेंगे तो बीच में लिक्विड चॉकलेट का निकल के आएगी और उसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। यहाँ पे मैं मोडक चॉकलेट यूज़ कर रही हूँ, बट आप अपने मन की कोई भी चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं। ये मोडक की डार्क चॉकलेट मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने दोनों बॉल्स में अच्छे से चॉकलेट क्यूब्स डाल दिए हैं। तो अब ये बारी दोबारा से अपना बैटर डालने की। अब मैंने दोनों ही में अच्छे से बैटर डाल देना। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो बैटर है वो इवनली स्प्रेड हो रहा है, मीन्स हमारा जो बैटर है यहाँ पे वो बहुत ही अच्छा बना है। अब मैंने यहाँ पे दूसरी बॉल में भी डाल दिया। तो चलिए अब करते हैं बेक। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक पैन में पानी ले लिया और हमारा जो केक है वो बिल्कुल ही रेडी है। तो अब मैं क्या करूँगी, इनको इस जो मैंने स्टैंड के अंदर प्लेस कर दूँगी और 10 से 15 मिनट इनको मैं अच्छे से भाप में पकने दूँगी। भाप में पकाने से हमारा जो केक है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट होएगा। तो हमारा केक बिल्कुल बिल्कुल हो चुका है, बस अब इसको मैं ढक के रख दूँगी गैस को बंद करके। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा जो केक है वो बिल्कुल ही रेडी है। या तो आप इसको निकाल के प्लेट में सर्व कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट और यमी बना। तो यहाँ पे मैं इस पर सिनेमन और साथ ही साथ कोको पाउडर डस्ट करूँ, जिससे हमारे केक में और अच्छा फ्लेवर आएगा। यहाँ पे मैंने उसे सर्व कर दिया ना, या तो आप इसको जिसमें बेक कर रहे हैं आप उसी में सर्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा केक कैसा बना है, उसको काट के दिखाती हूँ मैं आपको। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और एकदम स्पॉन्जी केक बना, एकदम रुई जैसा सॉफ्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, उसमें बीच में से कितने अच्छे से चॉकलेट बाहर निकल के आ रही है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे चैनल को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दें, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करें। अंटिल देन, टेक केयर।